स्वामी विवेकानंद सभागार में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड खंडवा द्वारा आयोजित पूर्व सैनिकों की बैठक आयोजित की गई। राज्य सैनिक बोर्ड के अरुण कुमार की अध्यक्षता में बैठक रखी गई, जिसमें जिला बोर्ड अधिकारी ने बैठक के एजेंडे बिंदुओं को विस्तार पूर्वक बताया। इसमें भूतपूर्व सैनिक एवं वीरांगना भी शामिल हुई। परिचय के दौरान कई पूर्व सैनिकों ने बताया कि उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद खुद का व्यवसाय शुरू किया और आज आर्थिक रूप से मजबूत है, जबकि वीरांगनाओं ने कुछ समस्याएं बताई जिसका बोर्ड ने निराकरण में मदद का भरोसा दिया। अरुण कुमार ने बताया कि बैठक का उद्देश्य बड़ा है, क्योंकि इस बैठक में पूर्व सैनिकों से जुड़ी समस्याओं की चर्चा होती है। उन्होंने बताया कि हमारे देश के सैनिक कठिन परिस्थितियों में देश के विभिन्न स्थानों पर ड्यूटी कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। वर्तमान में सैनिकों को खुद के व्यापार व्यवसाय के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि सेवानिवृत्ति बहुत युवावस्था में होती है और उनमें अनुभव जोश बहुत होता है, जो देश सेवा के साथ समाज सेवा में काम आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ये कार्रवाई करने के लिए आखिर में बड़ी मुश्किल से तीन जगह पे पायलट प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ है पूरे एमपी में। अनफॉर्चुनेटली आप लोग नहीं आ रहे हैं उसमें। उसमें बैतूल है, छिंदवाड़ा है और एक और कोई जगह है। यहाँ पे तीन जगह जाएंगे। और क्यों पायलट प्रोजेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि सब ट्रक जो आप हायर करके चलाएंगे 15,000-20,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा उसमें। लेकिन मान लीजिए, क्योंकि इसमें से आप जैसे छिंदवाड़ा देखें, छिंदवाड़ा में मुश्किल से 100 आदमी हैं, 100 एक्सेल उसमें। तो अगर वहाँ पहुँच करके उस 100 में से अगर मान लीजिए 50 आ गए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर सिर्फ 10 आए तो फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि ये बात नहीं है, मैंने हर जगह ये बात उठाई, मैंने बोला ये प्रॉफिट और लॉस की बात तो नहीं हो रही, दुकान नहीं चल रही, ये तो कल्याण होगा। तो इसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला किसी भी हालत में। वो 67,000 है, तो अगर 70,000 हो जाते तो कम से कम 0.01 कुछ इस टाइप का परसेंटेज तो बन गया होता, उतना भी परसेंटेज नहीं बना है। सो हम सब लोग अगर एक साथ मिलते रहें, एक साथ उससे इम्पोर्टेंट है दिखते रहें, तो कोई चीज़ बोलने की, कुछ चीज़ मांगने की आपका औचित्य बन जाता है। और इस विषय में मैं आगे आगे जैसे आऊंगा ये बात आपको क्लियर होती जाएगी, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक साथ रहें, इकट्ठे रहें और दिखते रहें कि हम लोग एक साथ और इकट्ठे हैं। अब मैं आपसे जो सैनिक जीवन है, इसको एक मिनट अगर आप रोक दें तो देखिए, मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आप लोगों का ध्यान बटेगा। मैं बहुत तेजी से 10-1 मिनट के अंदर अंदर आपको कई एक चीजें बताऊंगा। जो भूतपूर्व सैनिक की जिम्मेदारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो है, जिसके बारे में कोशिश बहुत हो रही है, रिजल्ट थोड़ा सा कम निकल रहा है इमीडिएट, वो है कि आपको चाहिए कि CSD और ECHS आपके आसपास रहे कहीं ना कहीं। पुराने ज़माने में एक मोबाइल CSD आया करती थी आर्मी की गाड़ी में, पर किंवदंतियां बहुत है, लेकिन असली कहानी यह है कि ऑडिटर्स ने बोला कि ये गाड़ियां लड़ाई के लिए बनी हुई हैं, ये गाड़ियां आपने वेलफेयर के लिए कैसे इस्तेमाल कर दी, बंद हो गई। अभी मैंने जो रिक्वेस्ट की थी सेक्रेटरी, जो डिफेंस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट है दिल्ली में बैठते हैं, उनको भी DO लिखा था और अपने जो जबलपुर एरिया में GOC है उनको लिखा था कि हमारे को सिविल गाड़ी CSD के प्रॉफिट से हायर करके हमारे को भेज दी जाए और वो CSD का सामान रखे, उसमें लिकर हो और उसमें एक जैसे पर्टिकुलर इलाका है उसमें थोड़े दिनों के बाद क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे 30 आदमी हैं जिसको हाइपरटेंशन है, 5 आदमियों को डायबिटीज़ है, 2 आदमियों को कुछ और प्रॉब्लम है, दमे की बीमारी है या जो कुछ भी है। सो उतनी दवाइयों का एक पैकेट सा बना करके भेज दिया जाए और उसके साथ में डॉक्टर साहब नहीं आए CHS के। एक सब भूतपूर्व सैनिक जब अपनी नौकरी खत्म करके निकलता है तो न केवल उसकी उम्र बहुत कम होती है, बल्कि उसके पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा होता है, उसके पास उसका जोश बाकी रहता है और बहुत कुछ कर सकता है वो इस देश को उसके विकास में, उसकी यश में बढ़ोतरी करने के लिए। तो हमारी कोशिश लगातार ये रही है कि जो सैनिक के अंदर जो प्रतिभाएँ हैं और जो काबिलियत हैं उसको आगे बढ़ाने का और देश की सेवा करने का मौका मिले, उसी के लिए यहाँ पर हम आते हैं, जिससे कि सैनिक अपने आप को आगे ला करके देश के काम के लिए लगा सके।
इस बैठक में जिले भर के पूर्व सैनिक कितने सैनिक शामिल हुए हैं और किस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है बैठक में? सब उम्मीद है कि अभी तकरीबन 100 लोग जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं वो इसमें उपस्थित हैं और चर्चा हो रही है अलग अलग जो अवसर इन लोगों के पास हैं जिसको इस्तेमाल करके ये अपने लिए और देश के लिए काम कर सकें और साथ में इनके कुछ एक प्रॉब्लम्स भी हैं उन समस्याओं के निवारण के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम? मेरा नाम ब्रिगेडियर अरुण नायर सेवानिवृत्त। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।